अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। और मैंने पास्ट में भी आपके साथ ऐसे कई ऐसे सेशंस आप लोगों को प्रेजेंट किए हैं जिसमें हमारे पोजीशन होल्डर्स बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह उन्होंने पोजीशन स्कोर की। तो मेरे साथ इसी तरह के एक जवान मौजूद हैं, और जवान वैसे वर्ड वो है जो बड़ा सुपर हिट हो चुका है। तो इन्होंने रिसेंटली मार्च 2023 में SBR में पोजीशन स्कोर की, और इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी ये हमारे रूटीन वो स्टूडेंट नहीं है जो हमारे LMS का एक्सेस लेके पढ़ते हैं, बल्कि इस बच्चे ने सेल्फ स्टडी की और YouTube चैनल से पढ़ा और फिर उसकी पोजीशन आई। अच्छा, इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब इनकी पोजीशन आई तो इन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया। अच्छा, मेरी फेसबुक की 3 प्रोफाइल्स हैं और उसमें इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो अफसोस के साथ वो मैसेज मैंने रीड नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी जब अप्रैल में पोजीशन आई, मार्च में इन्होंने पेपर दिया था, अप्रैल में पोजीशन अनाउंस हुई, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने वो मिस कर दिया। और फिर मैंने करीब 3 महीने बाद यानी जुलाई के मिड या एंड में जाके वो मैसेज देखा, तो मैं हैरान, मैंने फ़ौरन से इससे कॉन्टैक्ट किया, तुम्हारी पोजीशन आई है तुमने? तो उसने कहा सर मैंने मैसेज किया था लेकिन शायद आप रीड नहीं कर पाए। तो मैंने कहा मैं इनको बुलाऊं और आपके साथ इनकी पूरी वो इनका जर्नी शेयर करूंगा किस तरह इनकी पोजीशन आई। तो साकिब, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखें, कहा जाता है कि SBR का F7 से कनेक्शन है, राइट? तो आपने F7 कब पढ़ा था? यानी मार्च में तो आपने SBR दिया, आपने F7 कब पढ़ा था, और क्या F7 की नॉलेज SBR में हेल्प करती है नहीं करती, ये आप ऑडियंस को बताएं। सर, मैंने F7 पढ़ा था 9 मंथ्स उससे पहले, SBR देने से 9 मंथ्स पहले मैंने F7 पढ़ा था, और 9 महीने इज़ लाइक बिग टाइम, आप थोड़ा बहुत भूल जाते हो उसके बीच में, लेकिन देर वर थिंग्स इन माई माइंड। F7 ने हेल्प करी थी, इट वॉज हेल्प, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं लेकिन आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है सारी चीज़ें SBR में। इट वॉज हेल्पफुल, आई हैड अ गुड स्कोर इन F7 ऑल्सो, लेकिन मुझे SBR की तो चीज़ें सारी दोबारा पढ़नी। तभी मेरी अपनी भी एक स्ट्रैटेजी है कि मेरे अपने SBR के कोर्स में मैंने F7 के मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स कवर कराए हुए हैं, इवन वो एग्जामिन भी होते हैं। यानी अगर आप देखो ना IS 38 वगैरह। अच्छा, बच्चों की एक परसेप्शन मैं सबको बताता हूँ, बच्चे सोचते हैं कि जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड हैं IFRS 2, आई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ यही पेपर में आएंगे, जबकि ऐसा बहुत हुआ है कि IS 38 25 मार्क्स का है। IS 38 है कितना, 1-2 क्लासेस का है, लेकिन वो 25 मार्क्स तक का कभी कभार आ जाता है। सर, देयर इज दिस वन स्टैंडर्ड IS 36 इंपेयरमेंट, F7 का स्टैंडर्ड है। सर, आप SBR के जितने पास होते हो, खाली आपको वो कंसोलिडेशन में हमेशा मिलेगा। मेरे पास 3 सवाल थे, इट वॉज 25 मार्क्स का पेपर था, 36 इंपेयरमेंट जो कि F7 का स्टैंडर्ड है। यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज अ रियली बिग स्टैंडर्ड, जो लोग कहते हैं मेरे पास नहीं आया था, वो SBR के तो नया स्टैंडर्ड F7 में नहीं है। इस बार लास्ट अटैम्प्ट में भी नहीं आया, वो यही बच्चे कह रहे थे काफ़ी। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूँ प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप सेलेक्टिव स्टडीज़ ना करें, वो आपको ओवरऑल सब कुछ आना चाहिए और उसमें कहीं से भी आ सकता है, यानी कुछ नॉलेज तो हर चीज़ की होनी ज़रूरी है। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, दैट इज़ पेपर सेलेक्शन। देखें, जब आपने अपना अप्लाइड स्किल्स कंप्लीट करके आप प्रोफेशनल मॉड्यूल में आए, तो प्रोफेशनल मॉड्यूल में आपने पहले जो पेपर्स दिए वो कौन से थे? यानी नॉर्मली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप पहले वो पेपर दो जिनका पास रेट हाई हो, और जो पास रेट हाई है वो कंपलसरी पेपर्स दिए, तो आपका इसमें क्या रुझान? सर, मेरा ये था कि एवरीवन वाज सेइंग SBL इज द हार्डेस्ट एग्जाम, मैंने SBL देखे, मैंने कहा पहले मैं इससे जान छुड़वा लूँ, आई विल मूव ऑन टू दी अदर पेपर्स, क्योंकि मेरा आई नो आप रिपोर्टिंग के साथ ऑडिट देते, मुझे मेरा ऑडिट देने का प्लान था, मैंने SBL दिया, आई गॉट रेड ऑफ इट, फिर मैंने अपने SBR की तैयारी की एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय AAA। इसलिए मैंने, यानी आपने भी वही ऑर्डर फॉलो किया कि आपने पहले कंपलसरी पेपर्स किए और फिर अपने ऑप्शनल की तरफ गए, यही रिकमेंडेशन भी, और पास रेट भी इन्हीं का हाई है, राइट? अच्छा, आपका इस पूरे जॉब, अब ये असल क्वेश्चन है आज की, इस पूरे उसका दिल है, यूं समझ ले कॉन्वर्सेशन का, कि SBR में आपकी जो पोजीशन आई है मार्च 2023 में, उसके पीछे क्या प्लानिंग थी? एक आम आदमी को, एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझाएं। सर, अगर आपको मैं इस तरह बताऊँ कि मैंने तैयारी कैसे करी, तो मैं आपको ये इस तरह बता दूँ कि मेरा हर पेपर का ना एक वो होता है, गोल सेट होता है कि यार इफ़ द पेपर इज़ इन मार्च ना, बाय द एंड ऑफ जनवरी मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करना है ताकि मैं फरवरी में प्रैक्टिस करूँ, और जो मार्च के 4-5 दिन है आई विल सॉल्व द मॉक्स, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई अपने हर पेपर की। तो दिसंबर में पेपर दिया, 15-20 दिन अपना वही छुट्टी मनाई, उसके बाद फिर जनवरी से तैयारी करने बैठ गए। एक चीज़ मेरी होती है कि जब मैं पेपर की तैयारी करूँ, आई फाइंड अ स्टूडेंट फॉर माई सेल्फ, जो मैं खुद पढ़ूँ, रात में बैठ कर उसको पढ़ा दूँ, वही चीज़ दिमाग में वो चीज़ पर हिफ्ज़ हो जाती है। तो आई डिड द सेम थिंग, मुझे स्टूडेंट मिला लाहौर का, मैं उसे रात में ऑनलाइन पढ़, दिन में खुद पढ़ता था, रात में ऑनलाइन उसे पढ़ाता था, बीच में मेरी जॉब होती थी तो जॉब से जाता था, बस सोने की थोड़ी सी सेक्रीफाइस हुई थी यहाँ पे नींद। तो सर ये थी, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ, अगर कोई फेल हो जाए ना कभी, तो मैं उसको बोलता हूँ वही पेपर पढ़ाओ, क्योंकि जब आप टीचिंग की नीयत से पढ़ते हो ना, तो आपकी एक नीयत, जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट मोड भी गुजारा और एक टीचर,
तो जब टीचिंग की नीयत से जब जब मैंने पढ़ाना, तो आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपके जहन में एक सवाल आता है, वाई, क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्टूडेंट भी यही पूछेगा। तो फिर उस नीयत से पढ़ने का मजा ही अलग है। सब अपने आप को फिर भी बेवकूफ़ बना लेंगे या खैर है देख लेंगे, जब स्टूडेंट पूछेगा फिर आप उसे नहीं मना कर सकते। अब उसे क्या बोलेंगे कि यार अच्छा मुझे नहीं आता, यू कैन नॉट डू दैट, तो फिर आपको सब पता। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मी, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे पता लगा? सर, यू वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द मार्केट। आप ACCA का नाम ले, मिर्चा वाला एसोसिएट होता है उसके साथ। सो आई हैव दिस रियली बिग हैबिट, जब मैं कोई चीज़ करना तो आई ऑलवेज सर्च, फुल रिसर्च करता हूँ। तो व्हेन आई ओपन यूट्यूब, आपका चैनल आया, आई वॉच सम वीडियोज एंड आई वाज रियली इंट्रीग्ड कि यार दिस इज गुड स्टफ, ये अच्छा है, दिस इज हेल्पफुल मटेरियल। मैंने F7 में आपके वेबिनार्स देखे थे, विच वर रियली हेल्पफुल। 87 वाज माय स्कोर इन F7 आल्सो। तो काफ़ी वेबिनार्स देखते सर, आप रीडिंग लेक्चर्स इन सबसे पेपर पास नहीं करते, यू पास बाय प्रैक्टिस। आप एक रास्ता बता दे पेपर सॉल्व कैसे करना है, हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। तो सर यहाँ पर मैं सारी ऑडियंस को एक बात बोलूँगा, कुछ लोग यहाँ क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया तो अब खुला चल रहा है, तो उसमें वो कहते हैं कि यार आप लोग सिर्फ कमर्शियल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें मैंने बहुत स्टफ डाला हुआ है, और मैं ये तो एक बड़ा केस आ गया कि पोजीशन आई है, यानी इससे पहले भी पास्ट में भी एक ऐसी पोजीशन आ चुकी है। और कितने दुनिया भर से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमने सिर्फ आपके यूट्यूब से पढ़ के पास हो गए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप उससे भी फायदा उठाएं, और दे आर ऑल फ्री रिसोर्सेज। एग्जैक्टली। देन अब SBR के अंदर एक चीज मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ऐसा कौन सा रीडिंग स्टफ वहाँ यूज किया था, यानी आपने रीडिंग के लिए क्या किया था? स्टडी टेक्स्ट रीड की थी? नहीं सर, स्टडी टेक्स्ट रीड नहीं करी थी। F7 की जो नॉलेज थी, अपने F7 के नोट्स, सर आई हैव दिस हैबिट, जब मैं लेक्चर्स लेती हूँ या नोट्स करता हूँ तो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ सब कुछ। वो जो है वही मेरी स्टडी टेक्स्ट है, वही सब कुछ है, दैट्स व्हाट आई एम गोना यूज। बट आई एम रियली लाइक सेंसिटिव अबाउट इट, मुझे बहुत संभाल के रखती हूँ उनको। मेरे पास अभी भी अपने F1 के नोट्स भी पड़े हुए। तो सर वही था, वही रीड करता था, अपने हाथ से बनाता था खुद। कोई चीज़ मसला होता था तो मैं जाता था स्टडी टेक्स्ट से, वो पैराग्राफ पढ़ लिया ज़्यादा से ज़्यादा। पूरी स्टडी टेक्स्ट लाइक 1200 to 1300 पेजेस, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल कि आप जाके वो चीज़ पढ़ें। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यही रिकमेंडेशन है। SBR में वैसे भी स्टडी टेक्स्ट रिकमेंडेड नहीं है। और जो इन्होंने बोला ना कि अपने नोट्स, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एग्जाम फोल्डर, और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि वो खुद अपना बनाए, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है, तो उसी लैंग्वेज में वो लिखता है। बेहतर है किसी और के रेडीमेड नोट्स ना लें, आप अपने नोट्स बनाएं और वही एंड तक यूज़ करें। बल्कि अभी ये बच्चा मुझे कह रहा था कि ये नोट्स मैं किसी को दूंगा भी नहीं, ये नोट्स जो आपने एक बार बना लिया आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काम होंगे। खुद सोचो, 2-3 साल 4 साल बाद आपको ऐसे नए इंटरव्यूज देने होते हैं जिसमें IFRS की बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, तो आपने अपने नोट्स निकाले और एक बार रिकॉल कर लिए। बल्कि मैं कहता हूँ अपने नोट्स का PDF बना लो, अब तो टेक्नोलॉजी है। सर मैं आपको एक बार बताऊँगा, स्टडी टेक्स हैव क्वेश्चंस आल्सो। जैसे मैं जो IFR ये डिफाइनमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहा था 19 वाला स्टैंडर्ड, तो उसके क्वेश्चंस मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने वो जाके उससे बुक्स सॉल्व किए थे। रीडिंग नहीं करता सर, वो बहुत टाइम लेती है। अच्छा, आपका मॉक की क्या स्ट्रेटजी थी, यानी आपने मॉक कितने किए थे, क्या रिकमेंड करेंगे आप बच्चों को मॉक से रिलेटेड? और एक चीज़ मैं यहाँ भी बोल दूँ कि इस वक्त SBR में एक इशू है टाइम मैनेजमेंट। पिछले मैं देखता हूँ लास्ट 8 अटैम्प्ट से, तो मुझे बच्चे कहते हैं कि वी कैन नॉट कम्प्लीट 100 मार्क्स। एक अच्छी मेजोरिटी ये कहती है पूरे 100 मार्क्स नहीं होते, टाइम मैनेजमेंट का इशू है। तो आपने उसके लिए क्या प्लानिंग की थी उस टाइम मैनेजमेंट की? सर पहले जो आपकी मॉक्स वाली बात है, मैं उस पर आऊँ तो मॉक्स जो लास्ट वीक मेरा पेपर हुआ था उसमें ये होता है, आई एम गोना सॉल्व द मॉक्स एंड आई एम गोना वॉच यू डू सॉल्व द मॉक्स। आपके पूरे पूरे वेबिनार्स है 3-3 घंटे के, और बहुत सारे लाइक अ लॉट ऑफ वीडियोज़, हर अटैम्प्ट पे आपके 5 नई वीडियोज़ आ रही होती। मैं वो वीडियोज़ देखता था, मुझे वहाँ से एक तरह से दैट्स लाइक सॉल्विंग अ मॉक, आप कर रहे हैं मैं देख लूँ किस तरह होगा, और एक एक्सपीरियंस बंदे से देख लूँ तो मुझे सीखने को मिल रहा है, और फिर मैं खुद सॉल्व करता था। एक में ये होती थी, मैंने कोर्स ख़त्म किया बाय द एंड ऑफ जनवरी, अगले 10 दिन मैंने किट सॉल्व करी और एक मॉक करके देखते थे कैन आई गेट मोर देन 50 और नॉट। वहाँ पे तो आई एम गया एटलीस्ट आई एम इन अ सेफ जोन। अब पोजीशन की तैयारी करनी है, हर पेपर की तैयारी है, पोजीशन की सोची करेगा तो आपका पेपर क्लियर होगा, ये मेरी अप्रोच होती थी। तो ये मॉक्स होती थी, लास्ट वीक वॉज डेडिकेटेड टू मॉक्स। जैसे 7-8 को आपका पेपर होता है हमेशा, तो आप पहले से मॉक्स शुरू करते हैं। कैपलिन BBP यूज़ करना इज पॉइंटलेस ना, और साथ साथ वॉच करें वीडियोस, देयर आर लॉट ऑफ आपकी इतनी वीडियोस है जिसमें आप मॉक्स सॉल्व करते हैं। मैं ये एक और चीज़ इनको बताना चाहता हूँ, और ये खुद आपको बताएंगे कि ACCA की अपनी वेबसाइट में भी देर आर मैनी मॉक्स, कितने मॉक्स हैं वो भी बताएं। ACCA की अगर आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाए तो वहाँ पे 9 मॉक्स आते हैं, और हर अटैम्प्ट से पहले एक वो एक्स्ट्रा मॉक डालते हैं स्पेसिफिकली फॉर द अटैम्प्ट, तो मैं वो करके जाता था। आई ऑलवेज डू 9 मॉक्स से, आप 9 दिन बांट लें, आप रोज़ 1 मॉक करें, उसके बाद अपना आराम से वीडियोज़ देखते रहे, प्रेशर भी नहीं आएगा आपके आखिरी दिनों में पढ़ने का इतना,
आपका खुद भी पैशन है तो ऑब्वियसली। और लास्ट डेज में आपने सिर्फ मॉक करें और बाकी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ फिर ओरल रीडिंग करें, क्योंकि जितनी चीज़ आप रीडिंग करेंगे जो पास्ट पेपर्स की रीडिंग है या आर्टिकल्स की रीडिंग है तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि देखो तुमने सेल्फ स्टडी भी किया, यूट्यूब से स्टडी कर रहे थे, साथ तुम जॉब कर रहे थे, जी सर, तो किस एज से आपने काम करना शुरू किया? सर आई एम डूइंग जॉब फ्रॉम लास्ट 4 years, बाय द एज ऑफ 19 आई गेस 18-19 में जॉब स्टार्ट हुई। उससे पहले ट्यूशन पढ़ा रहा, ट्यूशन तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा था, बट प्रॉपर जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी आई स्टार्टेड अ नाइट जॉब उसमें बाय द एज ऑफ 19। आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, वी यूज रिसीव कॉल्स फ्रॉम अमेरिका, हम वहाँ पे उनकी कस्टमर सपोर्ट थी, लाइक पापा जॉन इज अ पिज़्ज़ा स्टोर, उनकी हमारे कॉल्स आती थी अमेरिका से तो हम उनके ऑर्डर्स प्लेस करते थे। देट वॉज ह्यूज हेल्प फॉर माई स्टडीज, क्योंकि मैं अपने फीस के पैसे निकाल पा रहा था वहाँ से। वो कि उसके बाद सॉफ्टवेयर हाउस में गए जहाँ पे सेल्स करते थे हम, तो आई वर्क ऑल्सो वर्क इन सेल्स वहाँ पे। तो सर ये मेरा जॉब एक्सपीरियंस था 2-3 साल का, और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था मैं, क्योंकि आई वॉज सेल्फ फाइनेंसिंग माई होल ACCA जर्नी। करंटली मैं KPMG में। KPMG में। अच्छा एक क्वेश्चन मैं सब बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे कि एक नॉर्मल ACCA के स्टूडेंट को अगर बिग फोर में जाना है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो वो कैसे एंटर होगा, एक आम आदमी के लिए समझा दें। सर इट्स मैं वहाँ पे यू देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक आई हैव सीनियर्स देयर जिनका FF 2 दफ़ा फेल हुआ, F9 दो दफ़ा। पीपल थिंक अगर आप एक दफ़ा पेपर फेल हो जाए यू कैन नॉट एंटर द बिग फोर, दैट्स नॉट द केस। ये तो गलत है। इट्स हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंटरव्यू, आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, क्योंकि यू आर गोइंग टू देयर क्लाइंट्स, यू आर रिप्रेजेंटिंग KPMG। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो, आप KPMG को अच्छे से प्रेजेंट करें, सो दैट्स व्हाट दे लुक फॉर। पेपर हर किसी का रुकता है, इट्स नॉट कि आपका पेपर नहीं रुके। प्रोफेशनल एग्जाम में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फेल होना कोई गलत बात नहीं है, हो जाता है, आप उसको फिर से वापस दे सकते हैं। जिसमें का गुड CV एंड जस्ट स्पीक वेल, आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा एक बड़ा अहम सवाल है, एक बच्चों की ये परसेप्शन है देखें कि जिस बच्चे की पोजीशन आ रही है वो बचपन से पोजीशन स्कोर करता हुआ, यानी स्कूल लाइफ से पोजीशन स्कोर करता हुआ जा रहा है, क्या ये बात सच है? तुम्हारी अपनी पास्ट हिस्ट्री क्या है, तुमने जो अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स किया, क्या तुम उस दौर में भी स्ट्रेट एज वाले बच्चे थे या ये कोई एक चमत्कार है? नहीं सर ये बड़े मजे की स्टोरी है। आई फेल्ड इन माई 9th standard, तो मैं टीचर मी एंड माई फादर हम टीचर्स के पास रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने प्रिंसिपल के पास कि सर 5% जैसे फेल हुए उसे पास कर दे पास, तो आई वॉज प्रमोटेड उसके बाद। तो देन ओ लेवल्स के ग्रेड्स इतने खास नहीं थे, ए लेवल्स में तो कुछ आई वॉज अ मेडिकल बैकग्राउंड, आई गॉट स्टेट डीज, आई एक्सेप्टेड वेरी प्राउडली क्योंकि यहाँ पर आके मैंने मेहनत करी, तो स्टेट डीज थे मेरे ए लेवल्स में, उसको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था बिकॉज आई हैड सच बैड ग्रेड्स। आई केम टू वर्ड्स ACCA और फिर सोच के मैं यहाँ था कि 4 साल की इसमें ACCA कर देना है, एंड टुक लाइक 1.5 साल लगा सर, टाइम नहीं मिला। देखिए ये एक बहुत बड़ी, ये इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जो स्ट्रेट एज वाले बच्चे हैं या 85% प्लस वाले जो इंटर वाले बच्चे हैं वही ACCA कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 60s में उनकी परसेंटेज आई है और आज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए होता है। यानी यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बचपन से बहुत पढ़ने वाले हैं तो आगे जाके भी आप पढ़ेंगे, कई बार लाइफ में आपको अचानक से फीडबैक मिलता है तो वो फीडबैक आपको इतना ऊपर ले जाता है। तो ये ऐसे केसेस आपके सामने मौजूद हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स अ मोटिवेशन फॉर यू और आप सब इन चीज़ों से सीखें, और हमारे जो रिसोर्सेज भी जितनी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं उससे आप लोग बेनिफिट उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।